जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव में आज दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और इस चुनाव में 2179 केंद्र पर वोटिंग चल रही है। वोटिंग सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। कश्मीर डिवीज़न में 828 मतदान केंद्र और जम्मू डिवीज़न में 1351 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में 601 मतदान केंद्रों को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है। चुनाव के दूसरे चरण में सरपंच की 281 सीटों और पंच की 1286 सीटों के लिए 4014 उम्मीदवार मैदान में हैं। 90 सरपंच और 1069 पंच पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। पहला चरण जो था वो 17 नवंबर को हुआ था, जिसमें करीब 72% मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ, 3 जवान घायल भी हुए हैं। LOC पर पाकिस्तान की ओर से सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया गया और इसके बाद ये ऑपरेशन फिलहाल पूरा हो गया है। सोमवार रात शोपियां के नादिम गांव में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। सर, मैं यहीं पर खड़ा था तो मैं सैर करके वहां से आया था, यहीं पर खड़ा था मैं तो काफ़ी ज़ोर की आवाज़ आई यहाँ से, तो मैं पेड़ के पीछे छिप गया। मैंने सोचा क्या पता, हमें अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ गिरेगा कहाँ नहीं, तो ये ब्रिगेड के अंदर गिरा। एक पहले भी गिर चुका है 10 मिनट पहले, तो एक अभी गिरा है। तो हम ब्रिगेड कमांडर सर से यही सवाल पूछना चाहते हैं और ये वार्न करना चाहते हैं उनको कि कैसे ये लिंकअप डे भी है तो आपकी तरफ से क्या इंतज़ाम है। तो आप हमेशा लोगों को गुमराह करते हैं कि हमने जवाबी कार्रवाई की, ये क्या जवाबी कार्रवाई है, हर 10 दिन के अंदर वो ब्रिगेड के अंदर ही गोला फेंकते हैं। पाकिस्तान की ओर से 2 शेल आए जो कि हमारे पास ही तकरीबन 350 मीटर दूरी पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वहाँ आके गिरे और वहाँ से ये स्प्लिंटर जो हैं वो हमारे मल्ला के पास ही हमारे मल्ला में पड़े और इस दहशत में हम सभी लोग जाग गए और घबरा गए। तो ये जो मेरे हाथ में ये स्प्लिंटर पड़ा हुआ है, मैंने उठाया हुआ है, ये जब मैंने देखा तो हमारे घर के बाहर, तो मैंने देखा कि ये आग के गोले की तरह बहक रहा था और जब मैंने इसको हाथ लगाया तो मेरा हाथ जल गया, तो मैंने इसको उठा के अपनी पौड़ी पे रख दिया। तो ये बड़ी एक घिनौनी हरकत जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कि जब सुबह उठ के लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं उस मालिक को याद करने के लिए, तो ये पाकिस्तान जो है वो लोगों में दहशत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में BJP 4थी बार सत्ता हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और इसी क्रम में PM मोदी लगातार MP और छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभा करके BJP के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में थे। अब छत्तीसगढ़ का चुनाव आज हो जाएगा लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव अभी होना बाकी है, लिहाजा झाबुआ में प्रधानमंत्री आज एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद 23 नवंबर को मंदसौर और छतरपुर में रैली है, 25 नवंबर को विदिशा और जबलपुर जिलों में वो जनसभा करेंगे।